सो फ्रेंड्स, अभी ना हो रहा था इवनिंग का टाइम एंड हम आए हैं बाहर। बाहर ना आज हम आए हैं स्पेशली सदर, क्योंकि हमें खाना था ना स्पेशल, मुझे स्पेशली खाना थी चिकन पैटीज, जो है ना मेरी फेवरेट जगह की नव भारत, क्योंकि उसके अलावा ना फ्रेंड्स कहीं जो है वो नॉन वेज पैटीज नहीं मिलती हैं। तो अभी चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्टफ देखिए, किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है, क्योंकि बचपन में मैं नव भारत बहुत आया करती थी, क्योंकि इसके अलावा शायद और कोई जगह थी नहीं, बहुत ही कम प्लेसेस हुआ करती थी। एंड अभी भी ना ऑलमोस्ट जो है वो हमारा नव भारत सेम ही है। एंड आपको ना थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। ये देखिए, अख्तियार और सैवी लगे हैं ना अपना सामान देखने के लिए कि जो अच्छा मिल जाए वो हाल के हाल पकड़ लें। एंड ये देखिए, अब पहले भी ना ये स्टफ़ सिर्फ यहीं मिलता था एंड मैं इतनी दूर से ना यहाँ आती थी लेने। खैर, अब हर जगह ही मिल जाता है। लेकिन ये देखिए, अब ना इनके पास बड़ी सारा अलग अलग सामान आ गया है जो पहले नहीं था। जैसे ये देखिए, क्लचर्स, पिन, सेफ्टी पिन्स, पोनीस एंड बड़ा सारे स्टफ़ है, डीओ वगैरह। एंड ये देखिए, ये पहले नहीं होता था, पहले यहाँ से फूट का ही होता था। एंड अभी ना फ्रेंड्स, ऊपर जो है ना जहाँ कैफ़े होता था हमारा, कैफ़े 606, अब वो भी बंद हो गया है, लेकिन अब वहाँ ना कुछ कपड़ों का खुल गया है। तो आप आए तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ ना अख्तियार अपने लिए चूज़ कर रहा है कोई ड्रिंक पीने के लिए अभी, एंड देखते हैं क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी ना मेरी आ गई थी यहाँ पैटीज़ गरम गरम, एंड अख्तियार ने ना अपने लिए कोई चिकन मेयो रोल लिया था, क्योंकि उसे ये ट्राई करने था। लेकिन मैं ना थोड़ा ट्राई वाला पार्ट नहीं करती, मुझे जो पसंद है मैं सिर्फ वही खाना पसंद करती हूँ। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फ़िश और चिकन पिकल भी अवेलेबल है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। एंड फ़िश का तो मैंने पहली बार ही सुना होगा। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी कितनी सारी जो हैं वो अच्छे अच्छे एक्सेसरीज़ हैं। एंड अभी ना हम लोग जा रहे हैं वापस घर। अब फ्रेंड्स, अभी तो पैटीज नहीं खा सकता था, तो अख्तियार ना उसके लिए लेने गया था बादाम शेक। एंड ये वाला बादाम शेक है ना फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, बिकॉज दिस इज़ सो डिलीशियस। मतलब फालूदे से अच्छा ना मुझे बादाम शेक लगता है, क्योंकि फालूदे में ना बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हो जाते हैं, तो अब मुझे ना इतना पसंद नहीं। अभी की जो मेरी पसंद है वो ये है। सो फ्रेंड्स, अभी ना हम आ गए थे घर पे, एंड आपको ना अभी दिखाते हैं अपना किचन का सीन। तो किचन का सीन इस टाइप से है कि अख्तियार आज कर रहा है कुकिंग, एंड अख्तियार ना आज बना रहा है मटन पाया सूप। तो सूप बेसिकली नहीं है वो, पहले उसने ना पूरे जो मटन पाया था तो उसको सब कुछ करके ना उसने कुकर में उनका ब्रॉथ बना लिया है। अभी ना उसकी ग्रेवी तैयार कर रहा है। एंड ये देखिए, एंड वो अकेले नहीं करते, हमारी जो हाउस हेल्प है वो हमारी हेल्प करती हैं हर चीज़ में। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि नहीं बना तो कोई और रहा है, आप लोग झूठ झूठ कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम कुछ भी बनाते हैं तो हेल्पर हमारे साथ ही रहते हैं। तो आप ये देखिए, अभी ना मसाले वगैरह जो हैं वो पूरा जैसे नॉनवेज बनता है ना हमारा, वैसे ही बन रहा है, सेम टू सेम। बस कुछ चीज़ों का फ़र्क है, मतलब जो ब्रॉथ है ना बस उसमें मसाला मिक्स हो जाएगा, तो सोचिए ना वो ब्रॉथ जो है वो कितना ज़्यादा यमी हो जाता है। बेसिकली ये विंटर्स की डिश है, विंटर्स अभी आए नहीं है, लेकिन आज ना ऐसे ही मन करा कि एक बार खाते हैं बनाकर, क्योंकि ये ना अर्ली मॉर्निंग ही मिलते हैं अगर कहीं जाओ खाना है। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रॉथ जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, कितना अच्छे से जो है ना वो सूप बन गया है। एंड ये देखिए, मेरे तो बेसिकली ये बहुत फेवरेट हैं हमेशा से, एंड आज ना काफ़ी टाइम बाद ही हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें ना जो पूरा मसाला जो होता है ना वो प्रिपेयर करा था, एंड इसको ना मिक्स कर दें। इस मसाले में बेसिकली बस प्याज, अदरक, लहसुन एंड जो नॉर्मल हम घर में मसाले डालते हैं बस वो हैं, और कुछ खड़े मसाले हैं, दैट्स इट। तो ये डाल के ना बस इसमें मिक्स कर देंगे। वैसे तो ये नॉर्मल ब्रॉथ भी जो है वो पीने में बहुत अच्छा लगता है, सूप के तरीके से आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये ग्रेवी वाला बनाएंगे ना तो आप इसे एज अ डिनर भी खा सकते हैं, मतलब रोटी, नान, किसी चीज़ के भी साथ।
बस एंड में ना फ्रेंड्स हमें से बहुत सारे कोरिएंडर से गार्निश कर रहे हैं एंड बस इसमें हम अपना ऐड कर देंगे खुशबू का मसाला। एंड क्योंकि ये ना हर चीज़ में डाल दो मतलब जो स्मेल होती है ना वो बहुत अच्छी आने लगती है। एंड मैं ना फ्रेंड्स ऐसे प्रिपेयर करके रख देती हूँ ना ये चीज़ें कि मतलब मुझे बड़ा क्विक क्विक भी हो जाए एंड किसी को प्रॉब्लम ना हो। एंड इसमें ना थोड़ा सा मैं केवड़ा वाटर भी ऐड करूँगी, सिर्फ वन जो उसका कैप होता है ना उसके मेजर से कर दीजिए। एंड ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना हमारा मटन पाया। एंड अभी ना डिनर का टाइम हो गया एंड इन्जॉय करते हैं अपना मटन पाया सूप, माय फेवरेट। मैं ना इसको बेसिकली नान के साथ खाना ना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि जो ब्रॉथ है ना नान उसको अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, मतलब रोटी इतने अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आई लव विथ नान। सो फ्रेंड्स अभी ना आपको दिखाती हूँ ना कि अख्तियार इसको कैसे खाना पसंद करता है। तो अख्तियार ना फ्रेंड्स पहले इसमें बहुत सारी जिंजर ऐड करता है ऊपर से टॉपिंग में एंड उसके साथ बहुत सारी ग्रीन चिलीज एंड फ्राइड अनियंस। मुझे तो फ्रेंड्स पर्सनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइड अनियंस ही पसंद है इसके ऊपर से। कभी कभी तो कुछ बनाते तो वीडियो में कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे नहीं मैंने तो लड्डू बनाया है ना, लड्डू तो अच्छे बने ना। सो फ्रेंड्स आज ना हो चुका है नेक्स्ट डे एंड मैं आई थी फेशियल करवाने के लिए। Here I am. Today I am at Bhavya Makeover, you can see. And आज ना मैं स्पेशली आई हूँ हाइड्रा कराने के लिए। बेसिकली बहुत टाइम से कराना था लेकिन नहीं करा पा रहे थे क्योंकि यहाँ तो ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं है। सो आज ना मुझे फाइनली एक जगह मिली है तो आपके साथ ना आज पूरा जो है वो हाइड्रा का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैच अप विद मी। सो फ्रेंड्स अभी ना आप लोगों को ना थोड़ा सा जो है वो सैलून विजिट करा देती हूँ। फ्रेंड्स अभी ना मैं आ चुकी हूँ रूम में जहाँ हाइड्रा फेशियल होता है, आपको रूम पूरा मैं दिखा चुकी हूँ एंड ये रहा पूरा इसका स्टफ। एंड अभी आप देख लीजिए कि कैसा होता है, मैं खुद फर्स्ट टाइम करा रही हूँ तो मुझे भी ना पहली बार ही पता चलेगा कि मेरी स्किन पे क्या ग्लो देता है, कुछ देता भी है कि नहीं, तो मेरे साथ आपको भी पता चल ही जाएगा। फ्रेंड्स देखने में ना ये मशीन ना कुछ मुझे ज़्यादा हाईटेक लग रही है लेकिन अब देखते हैं ना क्या होता है, अब कराने पर ही तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चल सकता है। सो फ्रेंड्स कुछ ट्रीटमेंट कराने से पहले ना उसके बारे में जानना ना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स आई थिंक फिर मास्क स्क्रबर इस तरीके से होगा।
आज ना मेरा हाइड्रा फेशियल कौन कर रहा है? आपका नाम शिवानी एंड ये ना मेरी हेल्प कर रही है वीडियो बनाने में, तो आप इनसे भी मिलो। हेलो, आपका नाम? छाया साहू। तो अपना आप जब भी आते हैं ना तो आप इन्हीं से हाइड्रा फेशियल कराइए, तो मुझे तो अभी तक जितना हुआ है बड़ा बेस्ट लगा है। अराउंड इसमें लगे 1.5 hours समथिंग लाइक दैट। सो अभी बस भी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लग गया है अभी, बस इसको ऑन करूँगी आज से। मैं थोड़ी देर ना सोने वाली हूँ क्योंकि ये अराउंड 20 minutes ये लगेगा। अरे यार क्या डॉपी जैसी लग रही हूँ ना मैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी ना मैं आपको इस मास्क जब ही हट जाएगा ना तब मिलूँगी। वो नहीं पा रही हूँ शायद, थोड़ा आवाज़ ना जैसी भी आ रही हो आप लोगों की। बाय। सो फ्रेंड्स, फेशियल ना हो चुका है एंड ये ना बस लास्ट जो है वो सीरम अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको ना अच्छा सा शॉट ना वो मैं कल दिखाने वाली हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ घर, लेकिन घर जाने से पहले मुझे थोड़ी सी ना ग्रॉसरी शॉपिंग करना है, तो वो ना सामान ले लेंगे एंड फिर मैं डायरेक्ट घर जाऊँगी। एंड फेशियल का जो ग्लो है ना फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 3 दिन में आता है जो ठीक वाला ग्लो होता है, तो मैं आपको ना अपना फेस जो है वो कल दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अल्लाह हाफिज़।